यह दोस्तों फायरोस पार्क, ये पार्किंग एरिया है फायरोस पार्क का, और यहाँ से बिल्कुल करीब में जो है वो रिफाइनरी है, यंबो के जितने भी रिफाइनरीज हैं बहुत करीब है दोस्तों यहाँ से। मेरा नाम आसिफ पाल दोस्तों, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज मैं आपको ले चलता हूँ फायरोस पार्क पे, और मैंने ये मास्क पहन लिया दोस्तों। आए चलते हैं फायरोस पार्क। ये मैं चल रहा हूँ दोस्तों अभी फायरोस पार्क पे। यहाँ की खूबसूरती क्या है, इस पार्क की स्पेशलिटी दोस्तों की ये बिल्कुल रिफाइनरी करीब है, आप देख सकते हैं। इस पार्क की बहुत खास बात यह है कि यहाँ पे हमेशा एग्जीबिशन ऐसे कुछ लगते रहते हैं, और ये बिल्कुल रिफाइनरी से बिल्कुल करीब है दोस्तों। आए चले चलते हैं फायरोस पार्क। यह यहाँ से आप देख सकते हैं फायरोस पार्क है, और यहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है रिफाइनरी का। नाइट व्यू है दोस्तों, यहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। तो ये दोस्तों मैं भी मौजूद हूँ फायरोस पार्क में, और ये पार्क काफ़ी पुराना है रॉयल कमीशन में, और काफ़ी नज़दीक है रिफाइनरी से। बिल्कुल रिफाइनरी से पहला जो रोड लगता है, फर्स्ट रोड, फर्स्ट सिग्नल, वहाँ पे ये पार्क आता है दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत पार्क है, और इसकी स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पर हमेशा एग्जीबिशंस, ऐसे कोई कंपटीशन ऐसे कुछ होते रहते हैं, और काफ़ी खूबसूरत बेहतरीन पार्क है। लाइटें बहुत अच्छी है यहाँ पे, और ग्रीनरी भी बहुत अच्छा है यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं एक बिल्ली है जो मेरे साथ साथ घूम रही है, आप इसको देख सकते हैं। इसको हमारा साथ काफ़ी पसंद आ रहा है, इसने साथ में मेरे प्रोग्राम कर लिया आज कि मेरे साथ साथ घूमेगी। हाँ, ये मेरे साथ साथ घूमेगी आज, इसको आज अपने साथ साथ घुमाऊँगा। ये देखें, आ जाए, देखें तो इसको साथ साथ घूमने का दिल है मेरे, तो आ जाए चलें, चलते हैं। काफ़ी ठंडा मौसम है अभी यंबो में, माशाल्लाह टेम्परेचर अराउंड 18-19 जा रही है अभी, और काफ़ी खुशनुमा मौसम है बैठने के लिए, ठहरने के लिए। और आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे जो है एक शिप नुमा डिज़ाइन बना हुआ है, पानी का जहाज़ जो है पार्क के अंदर ही, और पीछे एक बहुत ही खूबसूरत सा मस्जिद का एक डिज़ाइन है, बहुत ही खूबसूरत है। देखें दोस्तों, सिटिंग अरेंजमेंट है ये, बैठने के लिए उन्होंने बनाया, बैठने के लिए उन्होंने बनाया दोस्तों। चले आए, अब चलते हैं मस्जिद की तरफ। ये बहुत ही खूबसूरत गार्डन है दोस्तों, डिजाइंड है, काफी अच्छे वॉकवे हैं, और यहाँ बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रीज हैं। ये लीची का ट्रीज है, लीची ट्रीज है ये, बहुत ही खूबसूरत ये लीची के पेड़ है यहाँ पे। और यहाँ पे बैठने के लिए उन्होंने अरेंजमेंट दिया हुआ है, सिटिंग अरेंजमेंट है यहाँ पे दोस्तों। ये काफ़ी खूबसूरत है ये सिटिंग अरेंजमेंट,
जैसे सैंड डून्स होते हैं वैसे इन्होंने खूबसूरत पार्क माशाल्लाह तबारकल्ला बहुत ही ज़बरदस्त आप देख सकते हैं दोस्तों। जैसे लगे कि मैं किसी ग्राउंड के स्टेडियम के पास में खड़ा हूँ मगर ये एक पार्क है। ये बैठने की जगह है दोस्तों और इस पार्क में लाइटिंग बहुत अच्छे है उन्होंने किए हैं अरेंजमेंट्स और बैठने के लिए उन्होंने बहुत अच्छी कुर्सियाँ लगाई हैं और ग्रास बहुत ही खूबसूरत है, ग्रास बहुत ही बेहतरीन है यहाँ पे। ऐसा लगे कि आप जैसे स्टेडियम में हैं ऐसा बेहतरीन माशाल्लाह और बहुत ही अच्छा इन्होंने इंतजाम किया है यहाँ पे माशाल्लाह बेहतरीन इंतजाम है। गार्डन और ये बिल्कुल जो फर्स्ट रॉयल कमीशन का कम्युनिटी एरिया है वो आप देख सकते हैं मेरे बाजू में। यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि यहाँ पे डबल एंट्रेंस है इस पार्क में, एक फ्रंट एंट्रेंस एक बैक एंट्रेंस है। जो लोग कम्युनिटी में यहाँ पे रहते हैं उनके लिए इन्होंने बैक एंट्रेंस दिया हुआ, वो लोग यहाँ से आ सकते हैं और फिर जा सकते हैं पार्क में बैठ के, पार्क में मज़े लेके बच्चे खेल के ऐसा। तो ये काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है दोस्तों, एग्जीबिशन लगा था दोस्तों यहाँ पे तो आप देख सकते हैं। और अभी हम जा रहे हैं दोस्तों चिल्ड्रंस प्लेइंग एरिया में, और उससे पहले हम जाएंगे शिप पे। ये है फेरोज पार्क के अंदर शिप, आए सामने से देखते हैं शिप में क्या चीजें हैं। ये एक रियल का शिप है दोस्तों, ऐसा ना कोई इन्होंने मॉडल बना के डाला हो ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, ये रियल का एक शिप है जिसको यहाँ ला के रख दिया गया है एज एन एग्जीबिशन। आप देख सकते हैं ये शिप रियल का है और काफी बड़ा है माशाल्लाह, और इसके आर्किटेक्चर भी आप देख सकते हैं, इसके नीचे भी आप देख सकते हैं कि इन्होंने ड्रेनेज सिस्टम भी बनाया है बारिश में, अगर बारिश हो जाए यहाँ से पानी नीचे चले जाए। फैन भी है, इंटीरियर का फैन है, फैन आपको दिख सकता है, और बिल्कुल ये एक रियल शिप है। ये शिप जो है काफ़ी वक्त पहले यहाँ पे ला के रखी गई है और अभी भी इन्होंने इसको काफ़ी अच्छे कंडीशन में रखा हुआ है, काफ़ी अच्छे भी कंडीशन में दोस्तों। इसके पेंट्स और इसके जो स्ट्रक्चर है अभी काफ़ी वेल मेंटेन इन्होंने किया हुआ है। शीशे इन्होंने निकाल दिए ऊपर से एज एन एग्जीबिशन, जहाज़ के ओरिजिनल शीशे तो उन्होंने निकाल दिए हैं मगर ये जहाज़ बिल्कुल ओरिजिनल है और कोई मॉडल नहीं है। और इसको देख के ऐसा लगता है कि एक अजीम और शान जो है हिस्ट्री का एक नमूना है कि यहाँ लोग कितने ज़बरदस्त काम करते थे और यहाँ फिशिंग होती थी और ये समुद्र में जहाज किसी दौर में चलता होगा। और ये सामने चिल्ड्रंस प्लेइंग एरिया दोस्तों, जहाँ मैं अभी नहीं जाऊँगा क्योंकि वहाँ कुछ फैमिलियाँ हैं जो अभी बैठे हैं, बच्चे खेल रहे हैं।
बहुत ही खूबसूरत एक बॉटनिक पार्क जैसा होता है उस टाइप का अरेंजमेंट किया हुआ है यहाँ पे। ये फूल बहुत खूबसूरत है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और अभी हम फेरोज पार्क से बाहर चलेंगे दोस्तों, क्योंकि ऑलमोस्ट हमने सारे पार्क को देख लिया है, सारे पार्क का हमने जो है वो टूर कर लिया है। और अब मैं चल निकला हूँ दोस्तों फेरोज पार्क के गेट की तरफ, और ओवरऑल अगर रेटिंग की बात करें पार्क में, क्लीननेस, डिज़ाइनिंग, आउट ऑफ 10 9 तो बनता है बॉस। बहुत ही ज़बरदस्त अरेंजमेंट है माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त पार्क, बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट, लाइटिंग बहुत ही खूबसूरत, नाइट व्यू में इतना अच्छा आ रहा है दोस्तों, तो बहुत ही खूबसूरत अरेंजमेंट है माशाल्लाह, बहुत ही गजब का अरेंजमेंट है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। और ये देखें अभी मैं आ चुका हूँ फेरोज पार्क के गेट के पास, और काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है। फ्रॉम मी साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।